बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पत्तियों सहित मूली का स्मृति चित्रण करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। आप देखिए कैसे मूली को बनाते हैं। हल्का सा नीचे की ओर टेढ़ा कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार पहले तो मूली देखिए चौड़ी होती है, फिर धीरे धीरे आगे जाकर पतली होती जाती है। इधर देखिए चौड़ी है, धीरे धीरे आगे जाकर पतली होती जाती है। अब देखिए पत्तियां कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, इस बीच वाली रेखा को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए इन पत्तियों में सिराएं बना देते हैं, नीचे छोटी छोटी, ऊपर की ओर बड़ी और ऊपर और बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी। फिर देखिए कैसे हम पत्ती बना रहे हैं। धीरे धीरे देखिए टेढ़ी मेढ़ी करते हुए रेखा हम चलाते हैं। सिराओं के पास देखिए थोड़ा सा बाहर निकली है। देखिए एक पत्ती बनकर तैयार हो गई, इसी प्रकार दूसरी बना रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी करते जाते हैं। ये देखिए इन सिराओं के सामने हम हल्का सा देखिए बाहर की ओर निकाल देते हैं, फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर, पुनः देखिए बाहर की ओर। इस प्रकार दूसरी पत्ती बनकर तैयार हो गई। इसी प्रकार देखिए तीसरी पत्ती। इस प्रकार देखिए पत्तियों सहित मूली का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें हम छाया प्रकाश दिखाते हैं। अब देखिए मूली में किस प्रकार छाया प्रकाश हम प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए इस प्रकार एक साइड में हमने ज़्यादा काला कर दिया, दूसरी साइड में चाहे तो हल्का फुल्का इधर भी काला कर दें, वरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार देखिए पत्तियों में भी एक साइड ज़्यादा काला कर देते हैं जो प्रकाश की ओर है, दूसरा साइड हल्का कम काला रखते हैं। इसी प्रकार सभी पत्तियों में छाया दिखा देते हैं। तो इस प्रकार देखिए सभी पत्तियों में छाया प्रकाश दिखा देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारी मूली बनकर तैयार हो जाती है। कुछ जड़ें इसमें लगी रह जाती हैं जो कि दिखाई दे रही हैं। देखिए एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है,
इस प्रकार देखिए हमारी छाया प्रकाश युक्त मूली बनकर तैयार हो गई। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें।